हिमालय पर्वत के पास कैलाश गिरी नाम का एक गांव था। जो गांव गर्मियों में हरे भरे पेड़ और घास से भरा होता था, वो सर्दियों में बर्फ से ढक जाता था। सर्दियों में गांव में हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ती थी। उस समय गांव वाले बहुत परेशान होते थे, अलाव जलाकर ठंडी से बचते थे। उसी गांव में शुभम नाम का एक गरीब किसान पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में जीता था। वो लोग लक्ष्मी नाम की एक गाय को बहुत प्यार से पालते थे। उसके झोपड़ी के बगल में ही उसके भाई लिंगम की झोपड़ी थी। लिंगम और उसकी पत्नी दोनों बड़े धोखेबाज थे। वो हर दम शुभम और उसके परिवार को खुश देखकर बहुत जलते थे। लिंगम कमाए पैसों से शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए पैसे बर्बाद करता था। एक बार शुभम, छोटे इस बार सर्दियों में और ठंड रहेगी कहकर बोल रहे हैं, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मैंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाने के लिए थोड़े पैसे जमा किए हैं, तुम भी अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा लो, नहीं तो ठंड से बच नहीं पाओगे, कहा। बाद में लिंगम अपने पत्नी से, देखा कैसे अकड़ रहा है, कह रहा है कि वो अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाएगा, इसका मतलब हमारे पास पैसे नहीं है कहकर हमारा मजाक उड़ाना है ना, कहा। पत्नी तब, तुम 24 घंटे पीते हुए पैसे बर्बाद करते हो और अब अपने भाई पे रोओगे तो क्या होगा, दम है तो तुम भी अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाओ, तब देखूंगी, बोली लिंगम तब। देखते रहो, मैं अपने झोपड़ी की मरम्मत करवाने के साथ साथ सर्दियों में उन्हें बेघर कर दूंगा, तब वो लोग ठंड में जमकर मर जाएंगे, कहा। पत्नी तब, वाह कितने दिनों के बाद अपना दिमाग चलाए जी, वैसे प्लान क्या है बताओ, बोली। लिंगम पत्नी को अपने प्लान के बारे में बताया। उस रात वो दोनों चोरी छुपे शुभम के झोपड़ी में घुसकर वहाँ मौजूद पैसे और जायदाद के कागजात चुरा लिए। उन कागजातों पे लिंगम एक पेन से जायदाद उसी के नाम पे है कहकर कुछ बदलाव किया। अगले दिन लिंगम गांव के बड़ों को अपने साथ लेकर शुभम के पास आया। एक आदमी, क्यों भाई शुभम, तुम्हारे पिता पूरी जायदाद तुम्हारे भाई के नाम पे ही कर दिए कहकर इन कागजातों में लिखा है, इस वजह से तुम्हारा खेत और ये झोपड़ी सब तुम्हारे भाई को ही मिलनी चाहिए कहकर पंचायत ने निर्णय लिया है, इसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ, कहा। शुभम तब अपने घर में ढूंढ कर देखा तो उसके कागजात और पैसे दिखाई नहीं दिए। शुभम तब, श्रीमान किसी ने मेरे घर में से पैसे और घर के कागजात चुरा लिए हैं, उन कागजातों पे ये घर और वो खेत मेरे हैं कहकर लिखा होता है, मेरा यकीन कीजिए, कहा। लिंगम की पत्नी, बिना कोई सबूत के यकीन कौन करेगा, तुम लोग जल्दी घर खाली करके हमें सौंप दो, बोली। लिंगम तब, हाँ अब से ये झोपड़ी और वो खेत सब मेरे हैं, कहा। बेचारा शुभम और उसका परिवार गाय के साथ साथ घर छोड़कर बाहर आ गए। गांव के बाहर मौजूद एक मंदिर में शरण लिए। उसी दिन से सर्दियां शुरू हो गई, बर्फ पड़ने लगी, सब ठंड में कांपने लगे। ठंड के कारण लक्ष्मी अम्बा अम्बा कहकर रावने लगी। शुभम मंदिर में मौजूद माता के प्रतिमा को देखकर, माँ भवानी हमने क्या गलत किया है, गरीबी में भी चार लोगों की मदद किए मगर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी आप हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हो माँ, इस ठंड में मेरे परिवार और लक्ष्मी को मरने के लिए छोड़ दोगे क्या, कहकर रोने लगा। इतने में देवी माता की मूर्ति बात करने लगी, बेटा शुभम मेरे रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये सब तुम्हारे भलाई के लिए ही है कहकर सोचो, बहुत जल्द तुम करोड़पति बनने वाले हो, तुम्हारे लक्ष्मी को अब मैं एक चमत्कारी गाय में बदल रही हूँ, कहते ही मूर्ति के अंदर से एक रोशनी आकर लक्ष्मी के ऊपर गिरा। तभी लक्ष्मी ने गोबर डाला, वो गोबर नीचे गिर के एक बड़ा सा गोबर हाउस में बदल गया। ये देखकर वो सब आश्चर्य में पड़ गए और देवी माता को नमस्कार किए, सब उस घर के अंदर गए। अंदर सारे सहूलतें थी, बाहर उस घर पे बर्फ गिरने लगी, फिर भी घर के अंदर गर्मी होने के कारण वो लोग बहुत खुश होने लगे। अगले दिन गांव वाले आकर उस घर को देखे,
शुभम उन्हें जो बीता वो सब बताया। गांव वाले उस गाय को नमस्कार किए। एक आदमी, शुभम इस ठंड में हम हमारे झोपड़ियों में रह नहीं पा रहे हैं, मुझे भी एक गोबर घर बना के दो, तुम्हें पैसे दूंगा, कहा। शुभम तब, देखिए सर्दियों में गरीब लोग कितने परेशान होते हैं मुझे अच्छे से पता है, मुझे पैसों की लालच नहीं है, मैं आप लोगों को गोबर घर बना कर दूंगा, आप जितना दे सकते हैं उतने ही पैसे दीजिए, पैसे नहीं दिए तो भी चलेगा, कहा। ऐसे लक्ष्मी के गोबर डालते ही वो एक बड़ा गोबर हाउस के जैसे बदलने लगा, सब पैसे देकर घर खरीदने लगे। शुभम बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार शहर से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आकर, मिस्टर शुभम, हम देश भर में गरीब लोगों के लिए बहुत कम खर्च में घर बनाकर देने की सोच रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हम तुम्हें दे रहे हैं, मैं तुम्हें एक गोबर हाउस के बदले 1,00,000 रुपए दूंगा, ये लो एडवांस, कहकर पैसे दिया। ये देखकर लिंगम और उसकी पत्नी जलने लगे। वो दोनों मिलकर लक्ष्मी को चुरा कर अपने घर को लाए। लक्ष्मी गोबर डालते ही वो एक बड़ा सा जायंट गोबर हाउस में बदल गया। दोनों घर के अंदर गए, बस तभी वहां राक्षस, चुड़ैल, कंगाल प्रकट होकर उन दोनों को खूब पीटने लगे। दोनों मारे डर के गांव छोड़कर चले गए।